Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपए में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150-150 रुपए में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। उनमें से एक निर्माता का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कह रहा था कि 150 रुपए में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फायदा हो रहा है। तो अगर 150 रुपए में भी उनको फायदा है, उसमें नुकसान नहीं है, तो 400 रुपए में और 600 रुपए में तो बहुत ज्यादा फायदा है। ये समय ऐसा है जो कि इंसानियत को मदद करने का समय है। ये समय ऐसा है जो प्रॉफिट कमाने का समय नहीं है। देश भर के अंदर केंद्र सरकार ने कई दवाइयों के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए, अलग अलग राज्य सरकारों ने हॉस्पिटल्स के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए कि अस्पताल जो है इससे ज्यादा नहीं ले सकते, दाम इस चीज के इतने लेंगे, इस चीज के इतने लेंगे। ऐसे समय में जब सारा देश मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, मैं समझता हूं एक तरफ मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से अपील करता हूं कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद ब खुद 150 रुपए पे ले आएंगे, पूरी जिंदगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए। ये टाइम कोरोना जब महामारी इतने बड़े स्तर पर फैली हुई है, लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूं कि अगर जरूरत पड़े तो इसकी भी कैपिंग की जाए और इस प्राइस को कम किया जाए।